राजस्थान के लाखेरी में गुरुवार को प्रशासनिक अमले ने बिना मास्क के मिले लोगों के चालान बनाए। ये कार्यवाही उपखंड अधिकारी युगांतर शर्मा, पुलिस वृत्ता अधिकारी नितिशा जाखड़ के नेतृत्व में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश नागर के साथ पालिका टीम द्वारा नगर में भ्रमण कर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों व दुकानदारों के चालान बनाए गए। चालान बनाने के दौरान भाजपा नेता सुरेश सोनी ने सभी के साथ समानता का व्यवहार बरतने के लिए अधिकारियों से बहस की। उन्होंने कहा कि किसी का 100 रुपए का चालान बनाया जा रहा है तो किसी का 1000 रुपए का चालान बनाया जा रहा है। इस तरह की अधिनियमता आप अधिकारियों द्वारा क्यों की जा रही है? इस पर उपखंड अधिकारी ने मौके पर कहा कि जो भी दुकानदार व आमजन बिना मास्क के मिलेगा तो सभी का 1000 रुपए का ही चालान बनाया जाएगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।